अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अभय हमें किचन में वेलकम। आज हमारे किचन में एक पकोड़ा बन रहा है, चलते हैं उसकी चीज़ों की तरफ। अंडे मैंने बॉईल कर लिए थे और उनकी सफ़ेद पार्ट को छोटा छोटा काट लिया और जर्दी को उसकी रख दिया। और जी अंडे हमने छोटे छोटे काट लिए। अब हमें एक कप बेसन चाहिए, थोड़ा सा हरा धनिया, नमक आधा चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्च, एक चौथाई चम्मच मीठा सोडा, चम्मच ज़ीरा, एक छोटी प्याज और एक हरी मिर्च काटी है मैंने। अंडे का जर्दी हमने अलग कर दी। अब एक बाउल ले लेंगे और उसके अंदर हम अपना सारा बैटर बनाएंगे। ये हमने एक कटोरी बेसन डाल दिया और अब हम नमक डाल रहे हैं, लाल मिर्च पाउडर, छोटी लाल मिर्च, और अब हम इसके अंदर ज़ीरा, हरी मिर्च कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से, मीठा सोडा, प्याज इसमें थोड़ी कमी डलती है, और अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे और अब इसका हम बैटर बना लेंगे, मिक्स कर लेंगे, फिर इसका बैटर बनाएंगे। ये देखिए अच्छे से हम बेसन की तरह इसको घोल लेंगे। ये देखिए अच्छे से मैंने घोल लिया है। अब मैं एक का वाइट पार्ट डाल दूँगी जो मैंने छोटे छोटे काट के डाल दिया था। ये देखिए इसके अंदर हम चाट मसाला ऐड करेंगे एक चम्मच। चलते हैं इसके पकोड़े बनाने की तरफ। ये देखिए फ्राई पैन मैंने गर्म कर लिया था, ऑयल गर्म कर लिया था। अब मैं जल्दी जल्दी से पकोड़े तैयार कर लूँगी और हम जल्दी से सारे पकोड़े बना लेंगे। ये बहुत जल्दी फ्राई भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। जब आप पकोड़े रमज़ानों में बना बना के तंग आ जाएं सिंपल वाले, तो फिर आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। आप इसको रमज़ानों में बना सकते हैं, टी टाइम पे भी बना सकते हैं इसको। बड़े मज़ेदार लगते हैं केचप के साथ, अच्छे इसको चटनी के साथ, केचप के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये। और ये देखिए हमारे पकौड़े हो चुके हैं ज़बरदस्त से तैयार, और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए आप बहुत मज़े के पकौड़े बने हैं, मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। देखिए बड़े मज़ेदार हमारे एक पकौड़े तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करा करें, इससे मेरी हर न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।